राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी आमंत्रित करूंगा कि अपना उद्बोधन दे, जो राजस्थान के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो सचिन पायलट ने अपना संबोधन दे दिया है और अब बारी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, और अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस पार्टी माननीय गहलोत जी, कांग्रेस के अध्यक्ष शेमसार पायलट का हमारे पूर्व सांसद व कृषि मंत्री राजेंद्र राजा साहब, राजेंद्र यादव जी आपके अपने राज्य मंत्री व जिला कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार कृष्ण पुनिया जी, आदरणीय करण सिंह यादव साहब, लोकप्रिय विधायिका श्रीमती सुभद्रा रावत जी, विधायक विराट नगर इंद्रलाल गुर्जर जी, हमारे वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज शर्मा साहब, महिपाल यादव जी, विधायक बलजीत यादव जी, रामचंद्र सराधना साहब, जिला प्रमुख साहब मोटेरी मीणा, पूर्व चेयरमैन बीज निगम के धर्मंत्री राठौर साहब, मनीष यादव जी, अजय यादव जी, महेश सैनी जी, जगदीश जी मीणा, अनिल यादव जी, भोलेलाल जी बागी साहब, राकेश जी अनिल के अध्यक्ष, श्रीमती सुनीता जी सरपंच, मनोज चौहान जी, विनोद पुनिया जी, श्रीमती सुनीता जी मिश्रा, तमाम उपस्थित नेताजन भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी पायलट साहब ने आपको आह्वान किया, हम सभी यहाँ हाजिर हुए हैं कहने के लिए, हम सबकी सलाह से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने यहाँ से कृष्ण पुनिया जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। आप अपील करते हैं कि आप सबका इनको आशीर्वाद मिले कि भारी कांग्रेस कामयाब हो, और जीतने के बाद में ये आपके बीच में लगातार आती जाती रहेंगी, सांसद के रूप में आपके सुख दुख में हमेशा साथ निभाएगी, और विकास के लिए पूरे क्षेत्र की जो स्थिति है उसकी आवाज को दिल्ली की पंचायत लोकसभा में उठाने में समय नहीं लगेगी। सरकार आपकी बनाई हुई है राजस्थान के अंदर बहुत कम 3 महीने हुए हैं, और हमने कोई कमी रखी नहीं, पहले भी सरकार बनाई थी तब भी हमने राजस्थान के विकास के लिए जो भी मांगा, पानी की समस्या हो, बिजली हो, शिक्षा, साथ सड़कें, उनका ध्यान बचा दिया उस वक्त पर ही। उन्होंने सरकार ने बता दी थी कि 500 में ITI भी खुली, OBC का छात्रावास भी खुला, सैनिक विश्रामगढ़ खुला, स्कूलों में सब भी खोले गए। जो मांगा गया उस वक्त में विधायक लोग मांगे थक गए, और जो काम मुझे कहा गया मैंने कभी मना नहीं किया। अभी मैं आगे वादा करता हूँ, आप जीता हूँ इनको कृष्ण पुनिया जी को कड़ी से कड़ी छोड़ो, आपके MLA शकुंतला रावत जी, आपके MP कृष्ण पुनिया जी होंगी, जो काम मुझे कहेंगे वो काम हम लोग करेंगे, कोई मना नहीं करेंगे, मैं वादा करना चाहता हूँ। और अभी भी सरकार बने हुए अभी 3 महीने हुए, हमने किसानों का कर्ज माफ करने की बात की राहुल गांधी जी ने, कॉपरेटिव बैंक को कर्ज माफ किए, भूमि विकास बैंकिंग किए, और चुनाव के बाद में जो हमने वादा किया था उसके अनुरूप जो हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनके कर्ज 2 लाख करके माफ करें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था, पहले भी निभाया हम लोगों ने पिछली बार, इस बार फिर मैं आपको कहता हूँ कि 5 साल कोई दरें नहीं बढ़ाएंगे, 1 लाख करीब कनेक्शन जारी हो गए, काम चल रहा है, आधे जल्दी हो चुका है, गांव में पानी को निःशुल्क कर दिया गया, अब कोई ना बिल आएंगे ना शुल्क लगेगा, पानी के लिए फ्री पानी मिलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर ये फैसला हमने किया बड़ा, और जो आपका पंचायत राज चुनाव में वसुंधरा जी ने शर्त लगा दी कि जो पढ़ा लिखा होगा वो खड़ा हो सकता है,
अनपढ़ खड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा वसुंधरा जी, एमएलए एमपी बनकर का अनपढ़ आदमी जो कानून बनाता है जाके पार्लियामेंट में और जयपुर के अंदर, तो गांव की पंचायत जी तो अनपढ़ आदमी ज्यादा अच्छी कर सकता है। क्या तो क्या उनको रुक लगाने का करना ही था, फिर 10 साल के बाद में लागू होगा, 10 साल के पढ़ लो वरना फिर आप खड़े नहीं हो पाओगे। तो समझ नहीं आने वाली बात, उन्होंने अचानक कर दिया। उससे कई लोग बहुत परेशान हुए कि जिंदगी भर पंचायत के चुनाव में भाग लेते थे, गांव की सेवा करते थे, पंचायत ही करते थे, वो वंचित हो गए। हमने वो शर्त हटा दी है, अब कोई व्यक्ति खड़ा हो सकेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और तो और वही हमने पिछली बार जो पेंशन थी आपकी, पेंशन में हमने सब छूट दे दी थी और 500 रुपये 750 रुपये पेंशन दी थी प्रति माह बुजुर्गों की, विधवाओं की, एकल नारी की, दिव्यांगों की। सरकार बनते ही हमने 5 साल तक वसुंधरा जी 1 रुपया नहीं कराया। हमारी गवर्नमेंट हमने बनाई, सरकारी का हमने कामयाब किया, बनते ही हमने 500 को 750 1000 रुपये कर लिया गया। इस प्रकार से कई फैसले हमने किए हैं और दवाएं भी हमने बढ़ाई है, तो दवाएं बहुत महंगी है, लंबा इलाज चलता है, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी और कैंसर की बीमारी, तीनों बीमारियों की दवाएं हमने फ्री कर दी, आधे जारी कर दिए, ये मैं आपको निवेदन करता हूँ। इस प्रकार से एक तो सरकार बनते 21 फैसले हमने किए और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है दिल्ली में, उस पर न्याय योजना लेके आए हैं, 6000 रुपये प्रति माह हर परिवार जो गरीब होगा उसके घर में जो महिला होगी उसके अंदर उनको 6000 रुपये प्रति माह उनके खाते में आएगा, 1 साल के 72000 रुपये आएंगे। राहुल गांधी ने कहा हम 15 लाख रुपये खाते में आएंगे, जो मोदी जी ने कहा, पहले झूठे वादे नहीं करते हैं। हमने बकायदा अर्थशास्त्रियों की राय लेकर के इसकी मनाई है गरीबी हटाने के लिए, जिससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो देश की। इस रूप में हमने 6000 रुपये प्रति माह गरीबों के खाते में आने की तय किया है, 72000 प्रति वर्ष और 5 साल में 3,60,000 के होते हैं। इस प्रकार से योजना बनाई। इसके अलावा बहुत बड़ा निर्णय हुआ है किसानों का बजट, मेरे ख्याल से दुनिया के मुल्कों में कहीं नहीं होगा, हिंदुस्तान होने जा रहा है। किसानों का अलग बजट, पहले खाली रेलवे का अलग बजट पेश होता था पार्लियामेंट में, अब आप कल्पना करो जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, जितनी भी तरह की जो सुप्रम बात करते हैं, अगर बजट पेश होगा तो उसमें बहस होगी पास होने के पहले। 542 मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में पूरे देश के अंदर, सब लोग मिलकर बहस करेंगे तो उसमें कई नई नई बातें निकलेंगी, चाहे उनको ऊपर का पूरा मूल्य मिले, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, खाद बीज उपकरण, या जो राहुल जी कहते हैं कि हमने किया भी है 10 हेक्टेयर तक जमीन, अगर अपने खेत में आप कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाओगे तो लैंड यूज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार के पास जानकारी पड़ेगी। इस प्रकार की जो योजना बन रही है, अगर बजट पेश होगा तो तमाम तरह की बातें वहां आएगी, बजट पास होगा तो निश्चित हो गए किसानों की जो आत्महत्या हो रही है वो निश्चित रूप से रुकेगी, किसान को तकलीफ नहीं आएगी, उसका विश्वास पैदा होगा, उस पर कॉन्फिडेंस आएगा, और आज जो हाथ को जो चुगल में फंसा हुआ रहता है कर्जों के चुगल में उसको निकल पाएगा। इस सोच के साथ में देश में राहुल गांधी ने वादा किया हम चाहेंगे किसानों का अलग बजट पेश हो। इस प्रकार से कई बातें कही गई है, 10 लाख नौकरियां लगेगी पंचायतों के अंदर अलग से, 22 लाख नौकरियां पेंडिंग है केंद्र में उसकी भर्ती 1.5 साल में हो जाएगी। इस प्रकार से लड़कियों की शिक्षा फ्री होगी, उनको पहले स्कूल तक की थी अब कॉलेज तक की हो जाएगी। तो कई वादे किए गए मैनिफेस्टो के अंदर, हमें समझना पड़ेगा कांग्रेस मैनिफेस्टो चर्चा पूरे देश के अंदर है और मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है उसका नाम मोदी जी खुद नहीं लेते हैं,
ना उनके नेता लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है। कोई वादे जो पहले किए थे मोदी जी ने 5 साल पहले, धोखा बहुत बड़ा हुआ देश के साथ में, चक्कर में आगे लोग मोदी जी गए और काला धन लेके आऊंगा, 1 रुपये लेके नहीं आए मोदी जी विदेशों से। 9 जनों को नौकरी देंगे 2 करोड़, वो नौकरी कहाँ है, तो जिक्र ही नहीं है। दरें कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही गए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जहाँ से पेट्रोल डीजल आता है, कीमतें कम हो गई परंतु हमारे देश में कीमतें बढ़ती गई। एक बार तो करीब करीब डीजल पेट्रोल की कीमतें वादे किए कभी गंगा सफाई कर देंगे, भूल गए उस वादे को। बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, 1,20,000 करोड़ की ट्रेन, वो ट्रेन कहाँ है बुलेट ट्रेन? स्मार्ट सिटी बनाएंगे पता ही नहीं है। एमपी एक गांव गोद लेगा, बता दीजिए कौन सा गांव गोद लिया, उसकी क्या दशा दिशा है, बताए मोदी जी पूरे देश में क्या हुआ उस स्कीम का। इसके में बड़ी बड़ी देते रहे, ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं आ पाए। चुनाव में तो ये दरबार बैठा हुआ जनता का, इसमें कहना पड़ता करके हमारी उपलब्धि 500 ये है, आगे 500 ये करना चाहता हूँ। हमारी नीति है कार्यक्रम सिद्धांत।